भाभी कुछ ना बोली, चुपचाप सर नीचे करके खड़ी रही अपने भाइयों, पति और सूरज के सामने। जलील होकर चुपचाप खड़ी थी, दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। बदजात, ये तूने क्या किया? तुझे शर्म ना आई ऐसा नीच काम करते हुए? उल्टा कहीं की? जब मुझे उदय ने सब कुछ बताया था ना, तो उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि ये सब तूने ही किया होगा, लेकिन इस कदर नीच और गिरी हुई हरकत, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बता बता कुलक्षणी, उल्टा कहीं की बता, तुझे शर्म ना आई? जा डूब मर जा कहीं जाकर, अरे इस कुएं में ही छलांग लगा दे और मर जा। भाभी दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन भैया की बातें सुनकर भाभी ने अपने आंसू पोंछे और भैया से कहने लगी, हाँ मुझे डूब मरना चाहिए, क्योंकि मैं हवस की भूख में अंधी होकर गलत रास्ते पर चलने लगी थी। लेकिन यह भी तो बताओ सबको कि क्यों क्यों मैंने ऐसा किया। यह भी तो बताओ कि क्यों मैं आतक मां ना बन पाई। यह भी तो बताओ कि कमी मुझ में नहीं तुम में थी। बताओ सबको कि तुम ना मर्द हो जिसने 10 सालों से मुझे हाथ तक नहीं लगाया। बताओ सबको, बताओ। ये कहकर भाभी फूट फूट कर रोने लगी और भैया चुपचाप सर झुकाकर वहीं खड़े रहे। सूरज, माधव और उदय ये सब बातें सुनकर दंग रह गए। उनकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी भाभी धीरे से बोली, सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि मैं औरत हूं ना, और सिर्फ औरत को ही तो सब कुछ समझना पड़ता है। अरे तुम लोग ये क्यों नहीं समझते, जो शरीर की आग तुम्हें जलाती है, वही आग औरत के जिस्म में भी उठती है, और जब ये आग उठे तो वो कहां जाए? अपने पति से मिन्नतें करे, और पति तुम जैसा ना मर्द निकले तो फिर औरत अपनी उम्मीदों का गला घोटकर मर जाए? यही ना, अगर मैं ऐसा करती तो मैं बहुत महान होती, यही बात है ना? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैं भावनाओं में बह गई थी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर गई, आवेश में आकर सब कुछ बोल तो गई लेकिन बाद में बात को संभाल ना पाई। एक बार गलत राह पर चलने लगी तो फिर चलती ही गई, अपने आप को रोक ना पाई। तुम लोग ठीक कहते हो कि मुझे कुएं में डूब मर जाना चाहिए। हाँ मुझे मर ही जाना चाहिए, मैं मर ही जाऊंगी। तभी भाभी जल्दी से कुएं की तरफ दौड़ी और कुएं में छलांग लगा दी। सभी लोग भाभी के पीछे भागे, जल्दी से उन्हें बचाने की कोशिश शुरू हो गई। सूरज भी कुएं में जल्दी से कूद गया और भाभी को पकड़ लिया। माधव और उदय ने रस्सी बांध उन्हें ऊपर खींचा। भाभी बेहोश हो गई थी, उन्हें घर लाया गया और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने दवा दारू की और इंजेक्शन दिया और कहने लगा कि सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, कोई सदमा लगा है इन्हें, इन्हें आराम की जरूरत है। सुबह तक भाभी होश में आती तब तक सभी लोग उनके पास बैठे रहे। अचानक भैया फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें भाभी की मनोदशा समझ आ गई थी और उनकी मानसिक हालात के बारे में भी सोच रहे थे, और वो रोते रोते हाथ जोड़कर सूरज और माधव से माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दो माधव, ये सब असल में मेरा ही दोष है, मैं ही अपनी गलतियां छुपाता रहा, कभी ये ना सोचा कि मेरी बीवी पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं कि उसकी भी कोई उम्मीदें कोई तमन्ना होगी। काश मैं शादी ही ना करता, ये सब मेरा ही कसूर है, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। सही कह रही है, हवस में आकर इंसान अंधा हो जाए तो फिर वो इंसान नहीं शैतान बन जाता है, पर इसका असल गुनहगार तो मैं ही हूं।
मुझे माफ कर दो तुम लोग। माधव ने बड़ा दिल रखते हुए भैया से कहा, अब दोष किसका था किसका नहीं इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं भैया। हम सब लोग उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां सब एक दूसरे के दोषी भी हैं और नहीं भी। इसलिए जब तक भाभी होश में ना आ जाए तब तक इस पर बात करना सही ना होगा। सुबह हुई तो भाभी को होश आया। सभी लोग बहुत खुश हुए, सभी के चेहरे खिल उठे। भाभी ने उठते ही माधव को आवाज लगाई। माधव झट से भाभी के पास आकर खड़ा हो गया। भाभी ने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं आवेश में आकर इंसान से जानवर बन बैठी थी, भावनाओं में बह रही थी मैं, और मुझे किनारा सिर्फ तुम ही नजर आए। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि तुम सूरज के साथी हो। अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी मैं, अपने ही बेटे के साथ ये सब काम किया। सूरज सूरज बेटा, तुम भी अपनी भाभी माँ को माफ कर दो, माफ कर दो, तुम सब मुझे माफ कर दो। सुनिए जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे भी माफ कर दीजिए आप, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बस एक मौका मुझे और दे दीजिए। बस करो भाभी, बस करो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा ना बोलें, हम आज भी आपके ही बच्चे हैं। माधव भी आगे बढ़कर बोला, भाभी सबसे बड़ी इंसानियत अपनी भूल पर पछतावा होना है, और आपके बहते हुए आंसू बता रहे हैं कि आप अंदर से निर्मल हो चुकी हैं। अब जो हो गया उसे हम सबको भूल जाना चाहिए, उसी में हम सबकी भलाई है, और आगे का सोचना चाहिए। भैया भी आगे बढ़े, अपनी बीवी से माफी मांगने लगे। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, असल में सारा दोष ही मेरा है, सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। मैंने ही अपनी गलतियां छुपाने के लिए अपनी बीवी का हक मार दिया, पर मैं आज तुमसे वादा करता हूं कि मैं जल्दी ही अपना इलाज करवाऊंगा और जहां तक हो सके तुम्हें खुश रखूंगा। सारा माहौल बड़ा ही खुशनुमा सा हो चुका था। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू खुशी के थे। घर में एक नई उमंग थी, एक नई सी तरंग चारों तरफ फैल रही थी। सबके चेहरे पहले जैसे खिल चुके थे, लेकिन एक चेहरा अभी भी थोड़ा मुरझाया हुआ था। वो चेहरा था उदय का। उदय ने सबको खुश देखा तो चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर कानपुर जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगा। सूरज उदय के पीछे पीछे गया। उदय उदय, मैं तुमसे क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है सूरज, मैं सब कुछ देख सुन और समझ चुका हूं। जितना प्यार मैं तुमसे पहले करता था अब उससे भी ज्यादा करने लगा हूं। तुमने बहुत मुसीबतें देखी हैं और सही हैं, और उससे कहीं ज्यादा माधव ने। मैं इतना स्वार्थी नहीं कि अपनी खुशी के लिए अपने ही प्यार को उसके प्यार से छीन लूं। नहीं, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम पर पहला हक सिर्फ माधव का ही है, और माधव के लिए भगवान ने तुम्हें बनाया है। अरे तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यहां तो लोग कुछ ही दिनों में बदल जाते हैं, पर यह माधव था जो 4 सालों में बदला नहीं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरी फिक्र ना करो, मैं बहुत खुश हूं। माधव बाहर खड़ा होकर यह सब बातें सुन रहा था। वो अंदर आया और उदय को गले से लगा लिया। उदय ने फटाफट अपने आंसू पोंछे
और अपना बैग पकड़ा। अपनी भावनाओं को संभालते हुए जल्दी से वहां से निकल गया। माधव बोला, बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है ये, ऐसे इंसान मुश्किल है आजकल मिलना। सच कहा तुमने माधव, पर तुम जैसे इंसान मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओह अच्छा, ये बात है। जी हाँ ये बात है। अच्छा तो फिर आओ मेरे पास। आहा ऐसे नहीं। अरे ऐसे नहीं तो फिर कैसे? रुको अभी आता हूँ। सूरज जल्दी से पलंग के पास गया और वहां छुपा कर रखी हुई चूड़ियां निकाल कर लाया। अरे ये यहां कैसे आई? जब तुम ठीक नहीं थे तो मैंने तुम्हारे हाथों से निकाल कर यहां छुपा दी थी, और उसी समय सोच रखा था कि जब ठीक हो जाओगे तो तुम्हें बोलूंगा इन्हें पहनाने के लिए और अपने 4 साल पुरानी बातें याद करने के लिए। माधव ने खुशी खुशी चूड़ियां सूरज के हाथों में पहनाई और पहली बार उसके होठों को चूमा। ये वो स्पर्श था जो पिछले 4 सालों से अधूरा था, और आज सच्चे प्यार की बदौलत वह अधूरापन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हुए अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों ये थी कहानी चूड़ियां। इसमें सभी तरह के किरदार थे, एक सूरज और माधव जो सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते थे, जिनकी मोहब्बत में हवस नाम की चीज ही नहीं थी, सिर्फ था तो पाक और रूहानी प्यार। और दूसरा उदय, जिसकी मोहब्बत ने निस्वार्थ होकर अपने प्यार की खुशी चाही और उसे उसका प्यार दिलाने में उसकी पूरी मदद की। और दूसरी तरफ भाभी भी थी, जो अपने पति से खुश ना होने के कारण यह कदम उठा लेती हैं। ये किरदार इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि आज ऐसे कई लड़के हैं जिन्हें बिल्कुल भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी वो समाज के डर से या अपने परिवार की खुशी के लिए शादी कर ही लेते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा अन्याय अपनी बीवी के साथ करते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं सोचते और ना ही उसकी जिंदगी के बारे में कुछ सोचते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।